मॉर्निंग क्लास यूकेजी, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे। तो आज से हमारा ईवीएस का एनुअल सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आप लोग को ईवीएस में आप लोग के बता देती हूँ क्या आ रहा है। आपके ईवीएस में आ रहा है एट द सुपरमार्केट, ड्यूरिंग डे एंड नाइट, वेदर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, गुड मैनर्स, गुड हैबिट, ठीक है। और रिटन में भी आप लोग देख लीजिए, रिटन में भी आप लोग का सेम है, एट द सुपर मार्केट, ड्यूरिंग डे एंड नाइट, वेदर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, गुड मॉर्निंग एंड गुड हैबिट्स। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी एट द सुपर मार्केट, ड्यूरिंग डे एंड नाइट एंड वेदर। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ पहले अपनी पिक्चर बुक को ओपन करिए। ये है आप लोग की पिक्चर बुक, इसमें सबसे पहले हम लोग कंटेंट में देख लेते हैं हमारा कौन कौन सा आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ मार्क कर लीजिए। देखिए आज हम लोग पहले सबसे पहले वेदर देख लेते हैं, वेदर पढ़ेंगे। हमारा पार्ट 17 है तो पार्ट 17 में डाल दीजिए, वेदर पढ़ना है हमें। और एट द सुपर मार्केट भी हम लोग पार्ट 17 में पढ़ेंगे और डे एंड नाइट भी हम लोग पार्ट 17 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग कौन सा पढ़ लेते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वेदर, जो पेज नंबर 12 और 13 पर दिया गया है। तो ये ओपन करिए पेज नंबर 12 एंड 13। ये है आप लोग का पेज नंबर 12 है और पेज नंबर 13 है, ये इस पर आप लोग को दिया गया है वेदर, ठीक है। तो इस पर सभी बच्चे डाल दीजिए एनुअल कोर्स, ताकि आप लोग को याद रहेगा ये हमारे एनुअल कोर्स में था। पार्ट शो कर दिए, पार्ट हमारा कौन सा है, 17 है। पार्ट 16 में हमारा PA2 कोर्स कंप्लीट हुआ था, तो पार्ट 17 में हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इस पर भी शो करते हैं पार्ट 17। डेट शो करेंगे जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। तो वेदर मीन्स क्या होता है, वेदर मीन्स होता है मौसम। तो यहाँ पर आप लोग को मौसम के बारे में दिया गया है। देखिए ये है आप लोग का रेनी, ठीक है, रेनी है ये। रेन में आप लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला, क्लाउड्स होते हैं, रेन मीन्स बारिश होती है, रेनकोट होता है, पडल्स होते हैं और ड्रेन होता है, ठीक है। और विंडी, विंट्री और सनी, आप लोग के चार वेदर्स दिए गए हैं, चारों वेदर्स आप लोग को याद करने हैं। सिर्फ वेदर्स के नेम आप लोग को याद करने होंगे और ओरल में भी आप लोग को सिर्फ वेदर्स के नेम ही बताने होंगे, ठीक है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं बताना होगा। तो क्या क्या याद करना है आपको, आपको याद करना है एक इसका रेनी, विंट्री, विंडी और सनी, ये चारों नाम आप लोग को याद करने हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ याद कर लें, विद स्पेलिंग आप लोग को याद होना चाहिए, विद स्पेलिंग ही सुनाया जाएगा। RAINY रेनी, RAINY रेनी, रेनी मीन्स बारिश वाले मौसम को, बरसात वाले मौसम को हम बोलते हैं रेनी, ठीक है। सेकंड है आप लोग का WIN WINDY विंडी, विंडी मौसम वो होता है जिसमें हवाएं चलती हैं, ठीक है, WINDY विंडी। थर्ड है आपका विंट्री, विंट्री मीन्स सर्दी का मौसम हो गया, WINTRY विंट्री, WINTRY विंट्री। फोर्थ है सनी, SUNNY सनी, SUNNY सनी। तो चारों वेदर्स के नेम आप लोग को याद करने होंगे और लिखना भी आना चाहिए आप लोग को। तो दोबारा एक बार फिर पढ़ाती हूँ, देख लीजिए, रेनी, विंडी, विंट्री, सनी। तो ये चारों नेम आप लोग को याद होने चाहिए, विद स्पेलिंग आप लोग को एग्जाम में भी ओरल में भी आपको स्पेलिंग के साथ ही सुनाना होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक था, नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा एट द सुपरमार्केट, जो हम लोग को पेज नंबर दिया गया है 26 और 27 पर। अब पेज नंबर 26 और 27 ओपन करिए। ये है आप लोग का पेज नंबर 26 एंड 27। तो इस पेज पे भी आप लोग शो कर दीजिए एनुअल कोर्स पार्ट 17, ठीक है, एनुअल कोर्स पार्ट 17, यहाँ पर भी शो कर दीजिए पार्ट 17। देख
इसमें है जो जो सुपरमार्केट में हम लोग को मिलता है वो चीज़ें हैं, तो हमें विद स्पेलिंग याद करनी है। तो चलिए सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कर दें। सी ए एस एच कैश, सी ओ यू एन टी ई आर काउंटर, कैश काउंटर। जे ए एम जैम, टी ओ एम ए टी ओ टोमैटो, एस ए यू सी ई सॉस टोमैटो सॉस, एम ई ए टी मीट, ओ आई एल ऑयल, बी आर ई ए डी ब्रेड, एस ए एल टी सॉल्ट, सी ए डबल आर ओ टी कैरेट, पी ओ टी ए टी ओ पोटैटो, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, सी ए पी एस आई सी यू एम कैप्सिकम, आर ए डी आई एस एच रेडिश, ए डबल पी एल ई एप्पल, जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स। तो ये सुपरमार्केट में आप लोग को क्या क्या मिलता है ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए और विद स्पेलिंग्स याद भी होना चाहिए। एक बार दोबारा फिर रिपीट करती हूँ, ध्यान से देख लिए। सी ए एस एच कैश, सी ओ यू एन टी ई आर काउंटर कैश काउंटर, जे ए एम जैम, टी ओ एम ए टी ओ टोमैटो, एस ए यू सी ई सॉस टोमैटो सॉस, एम ई ए टी मीट, बी आर ई ए डी ब्रेड, एस ए एल टी सॉल्ट, ओ आई एल ऑयल, सी ए डबल आर ओ टी कैरेट, पी ओ टी ए टी ओ पोटैटो, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, सी ए पी एस आई सी यू एम कैप्सिकम, आर ए डी आई एस एच रेडिश, ए डबल पी एल ई एप्पल, जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स। तो ये सभी बच्चों को सुपरमार्केट का सामान जो जो हमें सुपरमार्केट के अंदर मिलता है सब याद करना है विद स्पेलिंग, आप लोग को याद होना चाहिए। ओरल में आप लोग को विद स्पेलिंग ही सुनाना है अपनी टीचर को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हमने दो कंप्लीट कर लिए हैं, वेदर और सुपरमार्केट, और नेक्स्ट था हमारा ड्यूरिंग डे एंड नाइट, ठीक है। तो ये हम लोग को मिलेगा पेज नंबर 32 और 33 पे। तो पेज नंबर 32 और 33 ओपन कर लीजिए, ये रहा पेज नंबर 32 एंड 33।
तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है ड्यूरिंग डे एंड नाइट, इस पर भी हम लोग शो करेंगे एनुअल कोर्स। पार्ट शो करेंगे 17, याद रहेगा आप लोग को एनुअल कोर्स में आया है ये पार्ट 17 में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर है ड्यूरिंग डे एंड नाइट, हम लोग दिन में और रात में क्या क्या काम करते हैं, कितने बजे करते हैं वो दिया गया है। देखिए 6 o'clock अलार्म क्लॉक, मतलब 6 बजे हमारा अलार्म बजता है। 7 o'clock बाथ, क्या करते हैं 7 o'clock हम लोग, बाथ मीन्स नहाते हैं, ठीक है। 8 o'clock ब्रेकफास्ट, 9 o'clock गो टू स्कूल, 2 o'clock लंच, लंच हम लोग कब करते हैं 2 o'clock पे करते हैं। 4 o'clock प्लेइंग, खेलते कब हैं हम लोग 4 बजे खेलते हैं। 7 o'clock स्टडी, 10 o'clock स्लीपिंग। अब आप लोग को इसे याद कैसे करना है, आपकी टीचर आपसे पूछती हैं बताइए अलार्म क्लॉक का टाइम क्या होता है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा 6 o'clock, ठीक है। अगर पूछते हैं आपके टीचर आपसे बाथिंग टाइम क्या है तो आप बताइएगा 7 o'clock, फिर उसके बाद पूछती हैं ब्रेकफास्ट टाइमिंग क्या है तो 8 o'clock, गो टू स्कूल टाइमिंग क्या है आपका, स्कूल टाइम जाने का क्या है तो 9 o'clock, ठीक है। तो ये आप लोग को जो है याद करना है, 6 o'clock क्या करते हैं हम लोग अलार्म क्लॉक बोलती है हमारी, 7 o'clock पे हम लोग बात करते हैं मतलब नहाते हैं, 8 o'clock पे ब्रेकफास्ट करते हैं, 9 o'clock पे गो टू स्कूल स्कूल जाते हैं, 2 o'clock पर लंच करते हैं दोपहर का खाना खाते हैं, 4 o'clock पर हम लोग प्लेइंग करते हैं मतलब खेलते हैं, 7 o'clock पर स्टडी करते हैं पढ़ते हैं, और 10 o'clock पर स्लीपिंग करते हैं मीन्स सो जाते हैं। तो आप लोग को ये जो स्पेलिंग्स दी गई हैं अलार्म क्लॉक, आपसे स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है, अलार्म क्लॉक की स्पेलिंग बताइए, तो आप लोग को अलार्म क्लॉक की स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, बाथ की भी, ब्रेकफास्ट की, गो टू स्कूल, लंच, स्टडी, प्लेइंग, स्लीपिंग, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये स्पेलिंग्स पढ़ाती हूँ, चलिए मेरे साथ सभी बच्चे पढ़िएगा। ALARM अलार्म, CLOCK क्लॉक अलार्म क्लॉक, BATH बाथ, BREAK ब्रेक, FAST फास्ट ब्रेकफास्ट, GO TO2 SCHOOL स्कूल, गो टू स्कूल, LUNCH लंच, PLAYING प्लेइंग, STUDY स्टडी, SLEEPING स्लीपिंग। तो ये आप लोग को सब याद करना है। अब आप लोग ओपन कर लीजिए अपनी कॉपी, EVS की कॉपी ओपन करें सभी बच्चे। देखिए पार्ट 16 में हम लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया था, PA2 कोर्स कंप्लीट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर सभी बच्चों को पहले उतारना है एनुअल कोर्स स्टार्ट, इसको अंडरलाइन करेंगे, पार्ट शो करिए पार्ट 17, डेट शो करेंगे जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। यहाँ पर लिखिए वेदर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेदर पढ़ा था, तो वेदर लिखिए यहाँ पर, वेदर डालिए WHEATHER वेदर। अब यहाँ मैंने आप लोग को चारों वेदर्स लिख दिए हैं, RAINY रेनी। सभी बच्चे कॉपी निकाल कर अपना अपना वर्क शुरू कर दें, जैसे मैंने आप लोग को बताया है ऊपर डालना है एनुअल कोर्स स्टार्ट पार्ट 17, हेडिंग डालिए वेदर, उसके बाद लिखिए रेनी, RAINY रेनी, इसके आगे फिर आप लोग 2 times और लिखेंगे, अपने आप लिखना है। फिर है सेकंड विंडी, WINDY
विंडी। इसके भी आगे आप लोग को टू टाइम्स लिखना है। थर्ड है आप लोग का विंट्री, डब्ल्यू आई एन टी आर वाई विंट्री। इसके आगे भी आप लोग टू टाइम्स और लिखेंगे। लास्ट फोर्थ है आपका सनी, एस यू डबल एन वाई सनी। इसके आगे भी आप लोग टू टाइम्स और लिखेंगे। ठीक है, तो ये चारों वेदर्स के नेम आप लोग को लिखने हैं और उसके आगे टू टू टाइम्स और लिखना है। मैंने आप लोग को लिखवा दिया है कैसे लिखना है। देखिए, पहले डालेंगे एनुअल कोर्स स्टार्ट, पार्ट 17 शो करेंगे, डेट शो करेंगे जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। यहाँ लिखेंगे हम लोग वेदर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद चारों वेदर के नेम डाल देंगे और इसके आगे टू टू टाइम्स और लिख देंगे। क्या है हमारे वेदर्स के नेम? रेनी, विंडी, विंट्री, सनी। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट हमारा था एट द सुपरमार्केट। तो पेज टर्न करिए इसको लिखने के बाद। यहाँ पर देखिए मैंने शो कर रखा है ऑलरेडी, पार्ट 17 डालना है, डेट शो करनी है और लिखना है एट द सुपरमार्केट। एट द सुपरमार्केट लिखने के बाद इसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, सुपरमार्केट की चीज़ें जो मैंने आप लोग को बुक में से पढ़ाई थी वही यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं। आप लोग को भी अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखनी है इसको एज इट इज़, जैसे मैंने लिखा है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैंने कैसे लिखा है। देखिए, पहले डाला है पार्ट 17, सभी बच्चों को डालना है ऊपर पार्ट 17, डेट शो करनी है जिस डेट में वीडियो जारी है। नेक्स्ट आप लोग को लिखना है एट द सुपरमार्केट, हेडिंग डालनी है, उसको अंडरलाइन कर देना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कैश काउंटर, सी ए एस एच कैश, सी ओ यू एन टी ई आर काउंटर, कैश काउंटर। फिर लिखेंगे जैम, जे ए एम जैम। फिर लिखेंगे टोमेटो सॉस, टी ओ एम ए टी ओ टोमेटो, एस ए यू सी ई सॉस टोमेटो सॉस, एम ई ए टी मीट, ओ आई एल ऑयल, बी आर ई ए डी ब्रेड, एस ए एल टी सॉल्ट, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, सी ए डबल आर ओ टी कैरेट, पी ओ टी ए टी ओ पोटैटो, आर ए डी आई एस एच रेडिश, सी ए पी एस आई सी यू एम कैप्सिकम, आर ए डी आई एस एच रेडिश, ए डबल पी एल ई एस एप्पल्स, जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स। तो ये आप लोग को एट द सुपरमार्केट का भी लिखना है। जब बुक में से देखना चाहें बुक में से देखकर लिख सकते हैं, विद स्पेलिंग याद भी करना है, लिखना आना चाहिए। अब आपको देना है ये, आप लोग एक बार देख लीजिए क्या करना है आप लोग को। यहाँ से आप लोग को करना है एनुअल कोर्स स्टार्ट लिखना है, पार्ट 17 डालना है, वेदर लिखना है, वेदर चारों वेदर डाल के इसके आगे टू टू टाइम्स और लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का है एट द सुपरमार्केट, पार्ट 17 में एट द सुपरमार्केट डालेंगे, सुपरमार्केट की चीज़ें लिखेंगे हम लोग यहाँ पर जिसमें हमने बुक में पढ़ी थी क्या क्या चीज़ होती है सुपरमार्केट के अंदर। फिर थर्ड आ जाइए, थर्ड हमारा है पार्ट 17 शो करिएगा ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ठीक है, तो ड्यूरिंग डे एंड नाइट को भी आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। फिर देखिए 6 o'clock क्या होता है? हमारा अलार्म क्लॉक है। 7 o'clock बाथ, 8 o'clock ब्रेकफास्ट, 9 o'clock गो टू स्कूल, 2 o'clock
लंच, 4 o'clock प्लेइंग, 7 o'clock स्टडी, 10 o'clock स्लीपिंग। ठीक है, तो आप लोग के एग्ज़ाम में सिर्फ आपको टाइमिंग्स दिया होगा, आपको ये खुद लिखना होगा कि आप लोग क्या क्या करते हैं। यहाँ पर आपको अगर टाइमिंग दिया होगा 7 o'clock तो आपको लिखना होगा बाथ, और 8 o'clock दिया होगा तो ब्रेकफास्ट लिखना होगा। ये मैं अभी आप लोग को होमवर्क बता दूंगी क्या करना है आप लोग को। पहले आप लोग अपनी कॉपीज़ में ये लिख लीजिए, पार्ट 17 शो करिए, हेडिंग डालिए ड्यूरिंग डे एंड नाइट, 6 o'clock अलार्म क्लॉक लिखिए, 7 o'clock बाथ लिखिए, 8 o'clock ब्रेकफास्ट लिखिए, 9 o'clock गो टू स्कूल, 2 o'clock लंच, 4 o'clock प्लेइंग, 7 o'clock स्टडी, 10 o'clock स्लीपिंग। ठीक है, ये आप लोग को लिखना है अपनी कॉपी में। अब होमवर्क डालते हैं, तो आप लोग जो है होमवर्क डालें, आप लोग को ये करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर ये आप लोग देख लीजिए क्या करना है आप लोग को होमवर्क के लिए। आप लोग नेक्स्ट पेज पे एज इट इज़ इसको लिखेंगे। देखिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कैसे करना है आप लोग को। पार्ट 17 शो करिएगा, होमवर्क शो डेट डालिएगा और यहाँ लिखिएगा होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क आप लोग कैसे लिख करेंगे ये देख लीजिए, मैं आप लोग को बता रही हूँ होमवर्क कैसे करना है। यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा ड्यूरिंग डे एंड नाइट, हेडिंग डालनी है ये। अब मैं आप लोग को लिख कर देती हूँ यहाँ पर कुछ टाइमिंग, तो आप लोग को उसके आगे लिखना होगा कि आप लोग क्या करते हैं। 8 o'clock आप लोग को खुद लिखना है क्या करते हो, क्या करते हैं। 10 o'clock फोर ओ क्लॉक टू ओ क्लॉक सेवन ओ क्लॉक सिक्स ओ क्लॉक नाइन ओ क्लॉक सेवन, ये आप लोग को इसके आगे लिखना होगा कि आप लोग क्या करते हो। 8 o'clock पर क्या लिखना है, 10 o'clock पर 4 2 7 6 9। ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग को जब याद होगा तो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो अपना अपना वर्क आप लोग कॉपी में भी और राइट करिए, और जो आप लोग को बुक से याद करना है वो बुक से याद करिए। याद सबको विद स्पेलिंग करना है, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में जो है अपने विद स्पेलिंग ही ओरल सुनाना है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से याद करिएगा इसको, अपना वीडियो पार्ट 17 ध्यान से देखिए और अपना अपना वर्क कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन कवर करके अपना एनुअल कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। जब तक सभी बच्चे बहुत ध्यान से वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।